आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए। देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। याद ना आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद ना आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय,
ओम शांति। सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य सुने, सुने भी या बुद्धि ने धारण भी की। बाबा के महावाक्यों में ताकत होती है। जो हम एक भी महावाक्य याद रखते हैं तो सारा दिन कर्म में हमको मदद करता है। इसलिए बाबा के मधुर महावाक्य हमारे जीवन में बहुत कायम रहें, अभ्यास भी करते रहें कि बार बार हमको याद आए। इसलिए बाबा भी कहते हैं, बच्चे सदा तुम आत्मा और परमात्मा, ये संसार की विधि है जो हर चीज का जोड़ा बनाया है। तो हर चीज का जोड़ा है, चाहे आप देखो पंछी से ले ले, व्यक्ति से लेके, एक चींटी से लेके, हर चीज का जोड़ा है। तो विधान ने ऐसी विधि बनाई जो हर चीज का जोड़ा बनाया है। तो हम भी घर परिवार में रह करके जोड़े के साथ कैसे एक दूसरे से मिलके चलें, वो भी बाबा ने सिखाया है। इसलिए सभी बाबा को याद करते हुए और बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीमद् प्रमाण हम सारा दिन हमारी दिनचर्या निकले, ऐसा लक्ष्य जरूर रखे। इसलिए आज की मुरली भी हमको क्या सिखा रही है, आत्मा और परमात्मा का दोनों का एकदम। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो परमात्मा बाप भी याद आता है
और वो याद आता है तो उसकी श्रीमत भी हमको याद आती है, श्रीमत भी हमारे कर्म अबोहार में रहती है। इसलिए सभी अपने जीवन के अंदर जो बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं, उन महावाक्यों को प्रैक्टिकल लाइफ में सारा दिन उसका अभ्यास करें, तो हमारे जीवन की लाइफ ही चेंज हो जाती है। क्योंकि पहली लाइफ हमारी संसारिक लाइफ होती है, फिर बाबा ने हमारी लाइफ को एकदम ईश्वरीय लाइफ, प्रभु मिलन की लाइफ, प्रभु प्राप्ति की लाइफ, हमारी लाइफ के बराबर सारे कल्प के अंदर कोई नहीं है और ना होगा। इसलिए सारे कल्प में यही हमारी ऐसी लाइफ है जो बाबा ने हमको आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव कराया है। तो ये अनुभव अपना सदा के लिए कायम रखें। इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे जो मैं सिखाता हूँ वो प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ, घर घर परिवार में, मान इन लाइफ में ला के घर परिवार में व्यवहार में आए तो तुम्हारी जीवन ही चेंज हो जाएगी। इसलिए हमको अपने जीवन को चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए श्रीमत प्रमाण चलना है। ठीक है, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अच्छा, जो भी भाई बहन देख रहे हैं ना, बहन जी देखो, सभी भाई बहन हाथ हिला के बहन जी का स्वागत करिए, सामने दिखाई दे रहे हैं, आप भी हाथ हिला, सब दिखाई दे रहे हैं, सामने रख दीजिए। सबको खुशी हो रही है ना कि हमारे बीच दीदी आए, बहुत दिन बाद क्लास भी कराया है? और कितने दीदी के, दीदी ने हमें है, दो ही शब्दों में बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी हैं और वो प्रेरणाओं को हम अपने लाइफ में लाएंगे। इसलिए बाबा ऐसे ही हर गुरुवार गुरुवार दीदी को हमारे बीच में लाएंगे। क्लास के भाई ने दो दो हाथों से खिला रहे हैं, खुशी हो रही है बहन जी सबको। हेलो, आज सत गुरुवार को सभी बहन भाई याद भी आ रहे हैं और सन भी दिखाई भी दे रहे हैं। आज सत गुरु को सत गुरुवार को सत गुरु याद भी आता है और याद के साथ साथ उसके हाथों का जब अमृत मिलता है तो और ही दिल में छाप लग जाती है। इसलिए सभी सतगुरु को याद करते रहें तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हमारे सत्कर्म होते रहते हैं, वो सत्कर्म सदा के लिए सुखदायी होते हैं, खुद भी सुखदायी होते हैं, औरों को भी सुख देते रहते हैं। तो ऐसे सुखमय बच्चे बाबा के सदा सबको सुख देते रहें और सुख लेते रहें। ओम शांति।